तो ज्यादती को देख करके व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोश उपजा कि मैं पार्षद बन जाऊं कि विधायक बन जाऊं या सांसद बन जाऊं या मुझे कुछ पद मिल जाएगा। व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की एक चाह, और जहां आदमी में केवल स्वार्थ आ जाता है कि नहीं मेरे को ये बनना है, मेरे को वो चाहिए। यानी आप तो कह रहे हैं करे हैं, ऑलरेडी कई पार्टियां मुझे ऑफर कर रही हैं। नमस्कार, मैं विनय पाल। आपने देखना शुरू कर दिया है munadi.com और मैं यहाँ मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पॉलिटिक्स के माइलस्टोन कहे जाने वाले विजय अग्रवाल जी के पास। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 80 के दशक से की और एक बार विधायक रहे, दो बार और उन्होंने चुनाव लड़ा है, और पार्टी से इतर इनका अपना एक व्यक्तित्व है, इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के आधार कहे जाने वाले विजय अग्रवाल जी अभी अपनी पार्टी से दूर हैं, लेकिन या पार्टी के केंद्रीय बिंदु में या पॉलिटिक्स के केंद्रीय बिंदु में अभी भी वही हैं। इनके विरोधी भी कहते हैं कि अगर आगामी चुनाव में विपक्षी दल को परास्त करना हो तो विजय अग्रवाल तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। हम उन्हीं से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि उनके जो राजनीतिक यात्रा है उसके बारे में। तो ये सबसे पहले कि कहाँ से प्रारंभ हुई है राजनीतिक यात्रा, आज कहाँ? देखिए, आपातकाल के दौर में हम लोग तो उस समय पढ़ते थे, तो रायगढ़ शहर में जो पुलिस की ज्यादती होती थी आम लोगों के साथ में, तो उस ज्यादती को देख करके व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोश उपजा, और उस आक्रोश के कारण मेरा जुड़ाव विद्यार्थी परिषद से हुआ, और तब हमने आपातकाल में रायगढ़ में भूमिगत कार्य व्यवस्था के खिलाफ में, तात्कालिक कांग्रेस सरकार के खिलाफ में भूमिगत कार्य शुरू किए, और वहीं से फिर वो राजनीति चलती चली आ रही है। अभी के दौर में वो जो पुरानी राजनीति थी और आज जो राजनीति है उसमें कितना अंतर पाते हैं? वास्तव में बोले तो तब की राजनीति और आज की राजनीति जमीन आसमान का अंतर है। तब की राजनीति कुछ पाने के लिए नहीं थी। तब की राजनीति कि मैं पार्षद बन जाऊं, कि विधायक बन जाऊं या सांसद बन जाऊं या मुझे कुछ पद मिल जाएगा, इसके लिए नहीं थी। व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोश, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की एक चाह, एक इच्छा, वो एक ऊर्जा का काम करती थी, वो एक एनर्जी देती थी, और जिसके कारण व्यक्ति अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके और पार्टी के लिए काम करते थे। उतने दिनों से अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? भाई, जैसा मूल उद्देश्य राजनीति का, मूल उद्देश्य समाज सेवा है। राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के बहुत सारे सेक्टर होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं, राजनीति भी एक माध्यम है। तो आपके मन में, आपके दिमाग में समाज सेवा का जज्बा हमेशा रहे कि कैसे मैं दिन दुखी के काम आ सकूं, कैसे अपने लोगों के काम आ सकूं, कैसे अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकूं, कुछ कह सकूं, कुछ सोच सकूं, तो आप प्रासंगिक बने रहेंगे। और जहाँ आदमी में केवल स्वार्थ आ जाता है कि नहीं मेरे को ये बनना है, मेरे को वो चाहिए, तो फिर उसी दायरे में सिमट कर रह जाता है और समय के साथ साथ वो कालातीत हो जाता है। पार्टी कितना महत्वपूर्ण होता है आपको प्रासंगिक बनाए रखना? पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, संगठन है, सब कुछ है, और संगठन की बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत बिरले ही होते हैं जो अकेले चल के भी कुछ अचीव कर पाते हैं, लेकिन वो भी क्षणिक होता है, टिकाऊ नहीं होता है। और आपके साथ संगठन है, आप किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, तो दीर्घकालिक, एक लंबे समय के लिए वो अस्तित्व देता है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले, बहुत कम समय बचे, 1.5 साल बहुत मायने नहीं रखे, ऐसे में आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? देखिए, मैंने पिछले चुनाव तात्कालिक जो भी कारण रहे हों,
वो अलग बात है। मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और लगभग 50,000 लोगों का समर्थन मुझे रायगढ़ विधानसभा में मिला, हारा मैं। लेकिन मैं उससे पहले भी भाजपा था, जब मैं चुनाव निर्दलीय रूप में लड़ रहा तब भी अंतर्मन से भाजपा था और आज भी भाजपा हूँ, भले वर्तमान में भाजपा से मैं निष्कासित हूँ और मैं पार्टी के वरिष्ठ लोगों से आग्रह भी किया हुआ है कि मैं भाजपा का काम करना चाहता हूँ और दिशा में पार्टी के वरिष्ठ लोग सोच भी रहे हैं, अब जब उनको उचित लगेगा तो वापसी का निर्णय करेंगे। लेकिन भाजपा आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में ही प्रासंगिक है और आज हर कोई इस बात को महसूस कर रहा है कि वास्तव में राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्रभक्ति, ये सब कुछ अगर किसी एक पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर अच्छा है इसका मतलब देश का भी भविष्य अच्छा है, उज्जवल होगा। आप पार्टी में वापस आ रहे हैं? हाँ, मैंने तो आवेदन किया हुआ है पार्टी में और उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव में ये आपके कई लोगों से मैंने बात किया है, आपके लोग और दूसरे लोगों से भी, तो ये मानते हैं कि कांग्रेस को शिकस्त सिर्फ आप ही दे सकते हैं? नहीं, ये लोगों का मेरे प्रति एक अपनापन हो सकता है, किसने हो सकता है और इस मुद्दे में तो वापसी के बाद पार्टी जैसा निर्णय करेगी, पार्टी जो उचित समझेगा। पार्टी में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो हर जगह की पल पल की खबर रखते हैं, पूरे क्षेत्र की समझ रखते हैं, वो जैसा वे लोग निर्णय करेंगे वो निर्णय सिरोधार्य होगा। पार्टी में तो आपके विरोधी भी होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आप वापस। राजनीति में थोड़ा बहुत समर्थन, थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही, लाजमी है। आपके जो विरोधी हैं उनका एक चीज कहना था कि आप चुनाव के समय ही सक्रिय थे, उससे पहले सक्रिय नहीं? ना, ऐसा नहीं है। देखिए, विधानसभा चुनाव बाद लोकसभा चुनाव हुआ, मैं लोकसभा चुनाव में पूरी तरह सक्रिय था और आदरणीय गोमती साहिब जी के लिए मैंने पूरी ताकत से तन मन धन से काम किया, उसके परिणाम भी रायगढ़ के लोगों ने देखा है कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 50,000 ज़्यादा वोट की लीड थी। उसके बाद नगर निगम चुनाव आए, उसमें देखिए अधिकांश पार्षद जो हैं सबके लिए मैंने मेहनत की थी, पूरे नगर क्षेत्र में मेहनत की थी, बहुत सारे पार्षद चुन के आए वो भी सबके सामने हैं। कोरोना के समय में बीच बीच आपने मेरे बाइट देखे होंगे कि सब वो देखे होंगे जो लोग यहाँ भी आते थे मदद करने के लिए, उसमें जो बन पड़ा वो सक्रिय रहा मैं। तो ऐसा नहीं कि खाली चुनाव के समय, अब कोरोना 1.5-2 साल हो गए, आप किसी के यहाँ जा रहे हो और सामने वाला इतना संकोची है, मान लो इतना डरा हुआ है, तो आपको तो यही नहीं मालूम कि उसके जा रहा हूँ तो उसको अच्छा लगेगा ख़राब लगेगा, तो आप कैसे जाओगे? तो ये 1.5-2 साल तो सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, जो भी लोग थे अधिकांश लोगों का 1.5-2 साल तो खराब हुआ ही हुआ है। नहीं, भाजपा की स्थिति ठीक है, आज आम जनता भी देख रही कि प्रदेश की सरकार चल रही है भ्रष्टाचार चरम पे है, पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा प्रशासनिक तंत्र कोलैप्स हो रहा है, बिना भ्रष्टाचार के कहीं कोई काम हो ही नहीं रहा है, मगर इतनी तेजी से बिगड़ रहा है इसको आम जनता महसूस कर रही है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का आगामी चुनाव में अच्छे परिणाम आएंगे। तीसरी पार्टी आपको अगर विधानसभा चुनाव के लिए ऑफर करे तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, आप तो कह रहे हैं करे, ऑलरेडी कई पार्टी मुझे ऑफर कर रही हैं लेकिन नहीं, मैंने जब से होश संभाला, मैंने पहले ही बताया कि हमारे पूरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, हमारे पूरे परिवार, हमारे खानदान का पहले व्यक्ति मैं ही हूँ जो राजनीति में आया और जिस दिन से मैंने राजनीति की भाजपा की राजनीति की और भविष्य में जब भी करूँगा भाजपा की राजनीति। अभी भले प्रत्यक्ष में नहीं हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, निष्कासित हूँ पार्टी से, तो भी मैं भाजपा के पक्ष में ही काम करता हूँ, जो भी काम करता हूँ भाजपा के लिए करता हूँ, भाजपा के पक्ष में करता हूँ और आगे भाजपा की ही राजनीति में करूँगा। पहले बहुत सारे प्रलोभन भी आए लेकिन नहीं, मुझे भाजपा की ही राजनीति करनी है। अगले चुनाव में भाजपा आपको टिकट दे ना दे जैसे, तो या आप पार्टी में आए या ना आए, तो क्या आप भाजपा को सपोर्ट करेंगे? देखिए, समय से पहले का प्रश्न है, लेकिन जहाँ तक मुझे टिकट दे या ना दे भाजपा में लेने के बाद वो प्रश्न है, तो जो पार्टी के वरिष्ठ लोग निर्णय करेंगे, मैंने पहले कहा वो शिरोधार्य होगा
मैं पार्टी के हर निर्णय से बंध के चलूंगा और अपनी पूरी मेहनत पूरी ताकत के साथ पार्टी का काम करूंगा। पार्टी और लोगों में आपके पास कार्यकर्ताओं का बड़ा समूह है। जब आपने पिछले बार चुनाव लड़ा था तो 51-52 हज़ार वोट, अगर हम वो एसी छाप और रेडियो छाप जो गलती से आपको दे दिए मैं चले गए थे देखे तो बहुत बड़ा होता है 50 या 51 हज़ार वोट पाना। ऐसे में क्या ऐसे कार्यकर्ता को या ऐसे नेता को किनारे करके रखना किसी पार्टी के लिए अच्छा लगता है कि मतलब उनके लिए नुकसानदायक नहीं होगा अगर आपको किनारे रखना? ये तो पार्टी के वरिष्ठ लोग तय करेंगे, कि पार्टी के वरिष्ठ लोगों के सोचने का विषय है ना, क्यों क्या निर्णय करते हैं ये उनका विषय। आपके जो समर्थक हैं या जो आपके जो चाहने वाले हैं उनको कुछ कहना चाहें? उनका साथ, उनका अपनापन, वो हमेशा मेरी ताकत रहा है और मैं भी उनके हर सुख दुख में साथ रहा हूँ, साथ हूँ। और मेरे रिश्ते तो ऐसे हैं, कई बार मैं जाके बोलता हूँ जो रिश्ता बन गया वो बन गया, तो लकड़ी में ही जाएगा मतलब रिश्ता लकड़ी में जब जाएंगे तभी ख़त्म होगा। तो मेरे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं सभी से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते हैं और वो रिश्ते विद्यमान हैं। शेर का बहुत चल रहा है भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति में शेर अकेला चलता है, शेर ऐसा है, तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि शेर अभी खामोश है? नहीं, आपने तो देखा अभी हैं, वैसे तो देखिए ये एंगल एंगल की बात है, वास्तविकता ये कि एंगल एंगल की बात है कि आप उसको किस एंगल देख रहे हैं। आप पैरेलल देखेंगे तो उसका मुँह आपको झुका हुआ दिखेगा, थोड़ी सी नम्रता दिखेगी, और आप झुक करके बिल्कुल देखेंगे तो आपके देखने पे है। अगर कोई प्यार से देखता है तो शांत लगेगा उसको, मैं भी शांत हूँ, बहुत शांत हूँ। और कोई अगर घूर को देखेगा तो लगता है उसको ये लगेगा कि नहीं शेर का मुँह खुला हुआ है। तो ये सामने वाले की दृष्टि पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच बनाता है। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि आगे चल के राजनीति कौन सा करवट लेती है या इनका स्टेप क्या होगा, तो उससे रायगढ़ की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। देखते रहिए मुनादी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कुछ लगता है तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।